हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बड़ा बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने यह बयान देकर के एक मुद्दे को फिर से भड़का दिया है। दरअसल कंगना रनौत ने किसानों से जुड़ा हुआ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गई। बीते दिनों भी एक बयान के बाद वो सुर्खियों में आई थी और पार्टी ने उन्हें एक ताकीद दी थी और खुद जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाकर समझाया था। अब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि किसानों से जुड़े हुए 3 कानून वापस आने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हालांकि अपनी राय जाहिर करने के दौरान बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि ये उनका विवादित बयान हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में 3 कृषि कानून वापस लिए थे और किसानों ने इसके लिए बाकायदा सालों संघर्ष किया था। कई महीने धरने प्रदर्शन करते हुए बैठे रहे थे और कई किसानों ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापसी की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें, कंगना रनौत के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही है। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और अब ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी या उनके सांसद जितना भी जोर लगा दें। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से कंगना रनौत मंडी में है और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। इस बयान के अलावा कंगना रनौत ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि बहुत सी गलत खबरें फैला करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और लगातार इन पर काम हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। पूरा देश इस बात को कहता है कि कंगना देश की इकलौती ऐसी बेटी है जो अपना नुकसान करके देश के लाभ के बारे में सोचती है। सभी लोग अपने लाभ के बारे में पहले सोचते हैं, लेकिन मैं देश के लाभ के बारे में सोचती हूँ। आज अपना करियर बर्बाद कर दिया और सिक्योरिटी लेकर घूम रही हूँ और देश की बेटियों के हित के बारे में बोलती हूँ और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ अकेली खड़ी हूँ। यह देश देख रहा है कि मेरा मन बच्चा बच्चा जानता है। जब भी मुझ पर कोई संकट आया है तो देश मेरे साथ खड़ा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।